प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। घटते तापमान और बिगड़ते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 60 डिग्री तक पहुंच गया है। बीते दिनों कोहरे से राहत तो मिली है, लेकिन बर्फीली और ठंडी हवा ने लोगों को अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि राज्य के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सूबे के 48 जगहों पर सरकार ने अलाव के इंतजाम भी करवाए हैं। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ते ठंड ने गरीबों की जहां मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं बुजुर्गों और बीमारों की बीमारी भी बढ़ने लगी है और अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। अभी ज्यादातर लोग शाम होते ही जहां घरों में दुबके नजर आते हैं, तो सुबह 10 बजे से पहले सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम ही रहता है। वहीं गया में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना में इस साल का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।